बधाई हो, बधाई हो। घर में आई खुशखबरी। अरे लड़का हुआ या लड़की? अरे फिल्म हुई है बड़ी अच्छी। इट जस्ट सीम्स लाइक आयुष्मान खुराना कैन डू नो रॉन्ग। अभी तो अंधाधुन के लिए बधाई हो बोल ही रहे थे कि अब बधाई हो के लिए भी बधाई हो बोलना पड़ेगा। बधाई हो बड़े भैया। मम्मी पापा तो लव ईच अदर, पर हगिंग, किसिंग, गॉड, ऐसी बातें कोई सोचता है क्या? भाई तो ऐसी चीजें कोई नहीं सोचता, पर अगर सोची होती ना तो ये बढ़िया फिल्म पहले बन जाती। पूरे नंबर टू डायरेक्टर अमित शर्मा, राइटर्स शांतनु श्रीवास्तव, अक्षत गिलदयाल एंड ज्योति कपूर फॉर दिस हटकेक कॉन्सेप्ट। मेहमान आने वाला घर में। मेहमान? एक मिडिल ईस्ट कपल के फर्टिलिटी के किस्से। फिल्म की शुरुआत में ही इस शॉकिंग न्यूज की डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद ह्यूमर का एनेस्थीसिया लगा के इस सोसाइटी की हिपोक्रेसी की जो सर्जरी होती है ना मजे मजे में, उसकी तो फील ही कुछ और है। कौशिक साहब शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हैं। The reactions are absolutely hilarious. बड़ा बेटा नकुल नौकरी कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड है, उसने तो बोलना ही था। तू ही बता यार, ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है क्या? छोटा बेटा is totally blank. And the best question asked by my favorite दादी, सबसे पहले तो नू जानना है मुझे, टाइम कब मिल गया तुझे? Humor is very situational, it's relatable. The कहानी is set in Delhi. तो जो टिपिकल पंजाबी डायलॉग्स हैं, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मिस्टर मिसेस कौशिक को स्पॉट कैसे किया जाए। हो गया। हैं? अरे फिर से हो गया। मजे मजे में फर्स्ट हाफ तो निकल जाता है, but then is the real challenge. ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब क्या? बधाई हो, थिंग्स आर हैंडल्ड एफर्टलेसली एंड मास्टरफुली। सेकेंड हाफ में ना द नैरेटिव बिकम्स मोर टेक्सचर्ड, सेंसिटिव, न्यूएंस्ड, अलग एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं एंड द कास्ट गेट्स अ चांस टू प्रूव कि वो किस खेत की मूली हैं। तेरे चेहरे पे ना बिल्कुल ना सुहाता ये। इन्हीं सब बातों का नतीजा है यो। Take the case of Mr. and Mrs. Kaushik. Gajraj Rao and Neena Gupta are so good. You can see the chemistry, the bonding. अब इन दोनों को पता है कि जो हो गया है ना, it'll cause quite a scandal. पर अब क्या करें? The tender moments when they support each other. अब Gajraj Rao has a very difficult role. Mother को भी मैनेज करना है, बीवी को भी मैनेज करना है. इन पे तो बड़ा ही प्यार आता है. And Neena Gupta, she looks resplendent. And then suddenly there'll be this cloud of worry on her face, and you'll be like, क्या एक्टर्स हैं यार दोनों? ठेठ दिल्ली वाला लड़का आयुष्मान खुराना से बेहतर ना कोई हो ही नहीं सकता। It's not like what he's done in this film is something very different from how he usually performs, but then he's always good यार। तेरी मम्मी प्रेग्नेंट होती ना, फिर देखता मैं। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट होती तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होती यार। देखा? पापा नहीं है ना मेरे। दादी हो तो सुरेखा सीकरी जैसी हो। Honestly, जो जहर ये उगलती है ना, जो कटाक्ष बेटे और बहू को मारती है, ओ गॉड, शी विल गिव यू द मोस्ट फन एंड द मोस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स इन द मूवी। ऐसे देयर अदर्स आल्सो हु जस्ट कांट प्रोसेस दिस प्रेगनेंसी। एक तो आयुष्मान का ऑन स्क्रीन ब्रदर शरदुल राणा, वेरी गुड, एंड गर्लफ्रेंड्स ला जीजा मदर यानी कि शिबा चड्डा। बड़ा मजा आता है इनको देखने में। You know, his family is a circus. I don't want to buy tickets to. Girlfriend के रोल में है सान्या मल्होत्रा. Now she doesn't have much to do. Frankly, this isn't her dangle to fight, but she does well in kind of blending in with everything. अच्छा, second half में there will be times जब आप थोड़े से ना बोर हो जाओगे. That's when the focus has shifted from the senior Kaushiks to Nakul and his girlfriend, and you're like, यार गजराज राव और नीना गुप्ता की ना बड़ी याद आ रही है। यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड्स। दैट्स व्हेन यू मिस देम एंड यू गेट अ लिटिल बोर। पर ऐसी ऊंच नीच तो होती रहती है ना। मेन बात तो ये है कि बधाई हो बड़ी अच्छी फिल्म आई है। आई थिंक यू शुड गो वॉच इट सह परिवार। इट इज अ होलसम एंटरटेनर विद लॉट्स ऑफ फनी मोमेंट्स। आई एम गोना गिव इट 4 क्विंट्स आउट ऑफ 5। और मुबारक हो, आपने पूरा रिव्यू देख लिया। इसी बात पर लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द क्विंट और अच्छे वाले कमेंट्स लिखना मत भूलना।